नमस्कार, मैं विष्णुदेव उपाध्याय, आप देख रहे हैं सच न्यूज। आपको बताते चले कि अक्सर बच्चों की गलती बड़ों का सबब परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसे में एक घटना देखने में आई। बिहिया क्षेत्र अंतर्गत बिहिया निवासी स्वर्गीय दीपू के पुत्र अर्जुन की गांव में अक्सर बारात हैं और बारात में जो पटाखे बिखर जाते हैं उनको बच्चे लेकर के अठेलिया करते रहते हैं। ऐसे में दीपू ने बचे हुए पटाखे इकट्ठा कर उसमें आग की लौ लगाई जिससे वो बुरी तरह से जलकर घायल हो गया। उसके तुरंत बाद पहले तो प्राथमिक उपचार के लिए बिहार में ही दिखाया गया, बाद में उसे आरा सदर हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया जहां उसकी स्थिति नाजुक है, उसकी दवा चल रही है। आइए सुनते हैं उनकी परिजनों की बात क्या कहते हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ? हम तो घर पे नहीं थे। अच्छा। हम ड्यूटी निकल गए थे। मम्मी थी, इसकी माँ करती हैं आप? हाँ। कहाँ, क्या चीज? वो खाना बनाते हैं। कहाँ? मतलब स्कूल में या कहाँ? घर में बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो क्या हुआ? डोमिनोज पिज्जा वाले के यहाँ बनाते हैं। डोमिनोज पिज्जा में? हाँ, आ रहा में। हाँ, आ रही में। अच्छा, ठीक है। तो क्या हुआ इस बच्चे को? इस बच्चे अब घर पे हम नहीं देखे, तब पटाखा लाया था, बांट दिया है, उसी में सब लड़का था, जल गया है। अच्छा, और भी बच्चे थे? मेरा भी लड़की थी, तो वो लोग भाग गई ना। हाँ। ये भागा नहीं। तो पटाखा कहाँ से है, क्या बात कर रहे? पटाखा दिवाली तो है नहीं। अरे शादी ब्याह होता है ना, उसमें छोटा है लोग ना। हाँ। उसमें नहीं बच जाता है। तो बगल में शादी में बचा हुआ था। हाँ। उसमें से बिन बिन के। हाँ, बिन बिन कर लाया था। हाँ। बच्चा सबको जानता ही है। तो क्या नाम है इसका? इसका अर्जुन नाम। अर्जुन? हाँ। और पिताजी कैसे? पिताजी का दीपू नाम है, वो इस पार कर गया। दीपू वो नहीं है अभी? नहीं, वो इस पार कर गया। अच्छा, इसका कितना साल का होगा बच्चा? बच्चा है 10 साल का। कहाँ गाँव है इसका? इसका बिहिया। बिहिया? बिहिया थाना है ना? बिहिया थाना भी है। अच्छा,